देखिए आज का दिन ऐतिहासिक दिन है, आज का दिन हिंदुस्तान के लिए बड़ा दिन है और आज 22 जनवरी है। शोभा यात्रा निकाला जा रहा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या से लाइव आए, काफी कुछ बोले और मधेपुरा में भी भव्य तरीके से शोभा यात्रा निकाला गया है। आज रामलला का प्राण प्रतिष्ठा का दिन है और ऐसे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के नेता राहुल जी है। कितने सालों से और कितने वर्षों से आज के दिन का बेसब्री से इंतजार था। देश के प्रधानमंत्री को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और देश के लोगों को आशा था, लगभग 500 वर्षों से लोग आशा में थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। लेकिन लोग कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। तो आज देश के लोगों ने कह दिया, देश के प्रधानमंत्री ने जो कहा था उसको करके दिखाया है। मैं नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उसने कहा कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो आज उस बात को साबित किया है। आज भारत ही नहीं पूरे दुनिया में आज भारत का परचम जो लहराया है, अयोध्या के अंदर में जो प्रभु श्री राम आए हैं, निश्चित रूप से ये नव सांस्कृतिक वाद का उदय है। और मधेपुरा में भी आप देखे होंगे दिन के अंदर में कितनी बड़ी संख्या में हम लोगों ने लोगों के घर तक अक्षत पहुंचाया है। जिनसे समर्पण लिया था उनके घर तक आमंत्रण भी देने गए और उनको ले जाकर के अयोध्या में दर्शन भी कराएंगे। लेकिन आज जो भीड़ निकली थी मधेपुरा के सड़कों पर, वो नरेंद्र मोदी जी को संदेश दे रहा था कि आने वाले समय में मधेपुरा भी आपके झोली में जाएगा। और ये आप समझ लीजिए, ये भारत का नहीं, आज इसका असर पूरे विश्व पर था और पूरे विश्व की मीडिया और आप लोगों ने जो काम किया है, मैं आप लोगों के प्रति, सभी चैनलों के प्रति, सभी यूट्यूबर के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि रामलला को एक जगह दिलाने का काम आप लोगों ने किया है। और देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग, विद्यार्थी परिषद के लोगों ने, बजरंग दल के लोगों ने संघर्ष करके एक एक ईंट जोड़ करके, और मधेपुरा से भी दो लोग गए हैं आप जानते हैं, और किस प्रकार से आज जो पूरा विश्व में हुआ है राममय है, सभी लोग आह्लादित हैं, आज राम हमारे घर आ गए हैं। और जो विपक्ष के लोग सवाल खड़ा करते थे, आज नरेंद्र मोदी की सरकार ने ऐसे लोगों को जवाब देने का काम किया है कि हम मुद्दा को राजनीतिक मुद्दा बना के रखना नहीं चाहते, हम मुद्दे पर राजनीति करना चाहते हैं। और हम लोगों ने उस विषय को आज ख़त्म कर दिया है कि राम मंदिर की बात पर लोग को घेरते थे, हिंदू मुस्लिम की बात करते थे, आज पूरा विश्व हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग एक होकर के राम जी के लिए काम किए हैं। राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। हम लोगों ने जय श्री राम के नारे के साथ, चूंकि हम मिथिला के लोग हैं, और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूं कि चूंकि हम सिंहेश्वर, हमारा पुत्र कामेष्ठी जग का स्थल रहा है, राजा दशरथ जी यही पुत्र कामेष्ठी जग कराए थे, तो आपके चैनल से मैं देश के प्रधानमंत्री से मांग करता हूँ कि राम सर्किट से हमारे सिंहेश्वर को भी जोड़िए, जिससे कि हमारे यहाँ भी पर्यटन का विकास हो और हमारे मंदिर का भी विकास हो। इसलिए मैं आज के दिन देश के प्रधानमंत्री सहित संघ परिवार को बधाई देना चाहता हूं। बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है, लेकिन पूरे प्रदेश में आज छोटी दीपावली भी मनाई जा रही है। नहीं, सभी जगह लोग अपने घरों में दीप जलाए हैं और लोगों को कहना नहीं पड़ा है। आप देखेंगे तो शहर से ज़्यादा उल्लास गांव के अंदर में है, सभी मंदिरों की सफाई हुई है, सभी मंदिरों के अंदर में दीप जला है और उसमें किसी को कहना नहीं पड़ा है। ये 500 वर्षों का जो प्रतीक्षा था, आज उस प्रतीक्षा का फल मिला है और निश्चित रूप से इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ। यानी आज के दिन का बेसब्री से सभी को इंतजार था। निश्चित रूप से 500 वर्ष से हमारे पुरखे, हमारे दादा परदादा, पिताजी, सभी लोगों ने संघर्ष किया है, हमारे पुरखों ने जो संघर्ष किया है उसका परिणाम हम लोगों को देखने को मिला है और निश्चित रूप से आने वाले समय में इसका परिणाम देश के लोग देखने को मिलेगा। विश्व का सबसे पब्लिसिटी वाला जो पर्यटन स्थल है उसके रूप में अयोध्या का विकास होगा और निश्चित रूप से भारत के अंदर आय भी बढ़ेगी। राहुल जी कब जा रहे हैं, जो बीजेपी के नेता हैं बिहार के मधेपुरा से आते हैं, राहुल जी कब जा रहे हैं अयोध्या पूजा अर्चना करने के लिए? चूंकि सभी वीआईपी लोगों के लिए प्रोग्राम था वहाँ,
और सभी कार्यकर्ताओं को कहा गया है कि 22 जनवरी के बाद सभी कार्यकर्ताओं के लिए सूची बनेगी और मधेपुरा से भी हम लोगों को दर्शन कराने का काम करेंगे। इसलिए 22 आज बीत गया है, कल के बाद हम लोग लगेंगे और अपने कार्यकर्ता साथियों के साथ अयोध्या जाएंगे और सभी लोग दर्शन करेंगे जय श्री राम के नारे के साथ। जय श्री राम के नारे से आप शुरुआत करेंगे, लेकिन आपको देखकर ऐसा लग रहा है पूरा बने ठने हुए हैं, सर में जो है टीका भी लगा हुआ है और यहाँ पे जय श्री राम का जो है गले पे रखे हुए है। ये बताएं कि आज की शुरुआत, सुबह की शुरुआत किन किन कार्यक्रमों से किया और पूरा रात तो आज कार्यक्रम चलेगा ही। हम लोग तो 15 तारीख से लगातार पूजा में व्यस्त हैं और लगातार पिछले महीने से अक्षत और निमंत्रण जहाँ जहाँ जिस जिस परिवार से हम लोगों ने समर्पण लिया था ऐसे परिवारों के घर तक हमारा आमंत्रण पहुँचे और अयोध्या से जो पूजित अक्षत आया था उनके घर तक हम लोगों ने पहुँचाया है। आज सुबह से हम लोग पूजा में थे, सभी मंदिरों में सभी कार्यकर्ता को लगाया गया था और मंदिरों के अंदर जा कर के हम लोगों ने पूजा किया और जैसे ही 12:30 के बाद प्राण प्रतिष्ठा हुआ तो फिर सभी कार्यकर्ता जय श्री राम के उल्लास के साथ हजारों लोग सड़क पर आए और हम लोगों ने लड्डू बांट करके अपनी खुशी इजहार किया है। चलिए, खुशी का इजहार किया गया है पूरे देश प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में। आज जो है प्राण प्रतिष्ठा का दिन है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचते हैं, वहां कार्यक्रम में शामिल होते हैं और पूरे बीजेपी के नेता आज खुशी का इजहार कर रहे हैं। बिहार के मधेपुरा में भी शोभा यात्रा भव्य तरीके से निकाला गया है, कई घंटों तक जो है शोभा यात्रा के साथ खुद जो है राहुल जी चलते हैं और महिलाएं बूढ़े बच्चे जवान सब लोग होते हैं, गाना बजाना होता है और भव्य तरीके से जो है ये कार्यक्रम जो है शाम में समापन होता जा रहा है। और जो है आज रात छोटी दीपावली भी पूरे देश दुनिया में मनाया जा रहा है। बाकी तस्वीर हम आपको बिहार के मधेपुरा से दिखा रहे थे। इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।